हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब, मैं हूं अभी सीहोर में शब्बर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से है भाई? शब्बर भाई, अभी सीहोर में अपन कौन सी जगह पर है भाई? अपन कस्बे में है, बिलाल मस्जिद के पास। माशाल्लाह। और आपका खेत है, खेत के ऊपर ही आप शौक कर रहे हैं? जी जी। कितने टाइम से कर रहे हैं शौक यहाँ भाई? मुझे 4-5 साल हो गए इसमें। ओके, और कौन कौन सी ब्रीड रख रहे हैं आप यहाँ भाई? बीटल है, कोटा है, मालवा है। कोटा, बीटल और हैदराबादी? हैदराबादी भी। माशाल्लाह, तो ये अलग मतलब यूनिक ब्रीड है। भोपाल वाले तो और सीहोर वाले ज़्यादातर मालवा और कोटा रखते हैं, लेकिन आपका शौक जो है थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लोगों से। कितने जानवर रखते हो आप भाई? मेरे पास तो ब्रीडिंग सेटअप भी है। अच्छा जी, कितने होंगे जानवर टोटल? 25-26 जानवर है मेरे पास। माशाल्लाह। और अभी इस वीडियो में कितने दिखाने वाले? 5 दिखाने वाले भाई। और पांचों फोर सेल के लिए हैं? फोर सेल के लिए। ठीक है, तो अपन इसी बकरे से स्टार्ट करते हैं जो आपके हाथ में है। जी। कौन सी ब्रीड के अंदर है भाई? मालवा है ये, मालवा का है। और खस्सी है बकरा ये? जी खस्सी। ठीक है, डिटेल बताइए, हाइट कितनी होगी इसकी भाई? इसकी हाइट 37 इंच आ रही है। 37 की हाइट आ रही है। और वजन में कितना आना वजन चाहिए में भाई? 65-70 किलो आ रहा है। 65-70 किलो वजन, चलो माशाल्लाह, अच्छा वजनी बकरा है खस्सी के हिसाब से। और दांतों में कितना हो गया? दांतों में 6 हो गया भाई। ठीक है, कब से पाल रखा शब्बर भाई इसको? भाई इसको मेरे पास साल भर ही हो गया। साल भर हो गया आपके पास में? तो ये आपके फार्म की ब्रीड थी या खरीदा था? नहीं नहीं, मैं लेके आया था। आप भी लेके आए थे? ठीक है, तो शब्बर भाई क्या हिसाब में देना है, ये क्या मांग रहे हैं उसका भाई? इसके अपन 42,000 रुपये मांग रहे हैं। 42 आपकी डिमांड है जी, बाकी इसके अंदर नेगोशिएट करोगे आप? जी, स्लाइटली हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा घुमा कर दिखाओ आप बकरे को वो साइड से भी, ताकि चेहरा भी समझ में आए बकरे का। घुमाइए, माशाल्लाह। ठीक है भाई, ये प्योर अपने जो मालवा के बकरे आते हैं इंदौर बेल्ट वाले, वही बकरा है ये। और 42,000 रुपये इसकी कीमत है जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, उसके अंदर मान सम्मान जो भी होगा वो आप कर लेंगे, है ना? ठीक है, इसके बाद कौन सा जानवर दिखाएंगे भाई? इसके बाद हैदराबादी दिखा देते हैं। हैदराबादी, ठीक है शब्बर भाई, ये हैदराबादी के अंदर है अपने पास बकरा। और डिटेल क्या है, इसकी हाइट कितनी होगी भाई? इसकी 39 प्लस आ रही है, अपन 39 मान लो। ठीक है, 39 की हाइट पकड़ते हैं। और वजन कितना आना चाहिए भाई? 65, ये भी 65-70 किलो भाई। 65-70 किलो के बीच में इसका वजन है। ओके, और दांत कितने लगा लिए? पूरे दांत है भाई। ओके, ये फार्म की ब्रीड है, ये भी लिया था? ये भी लिया था। माशाल्लाह, तो सेल के लिए है बकरा अभी? जी जी। कितने मांग रहे हैं इसके भाई? इसके भी 45,000 रुपये मांग रहा है। 45 इसकी भी आपकी डिमांड है, बाकी ये भी नेगोशिएबल प्राइस है। इसमें जो भी कम कराना होंगे आपको करना होंगे जी, वो आप कर लोगे स्लाइडली जी। फिर बकरा अच्छा है, अगर कोई ब्रीडिंग के हिसाब से ब्रीडर के तौर पर रखना चाहता है, आपने ली इससे ब्रीड ली जी, कितनी बकरियाँ लोड करवाई होंगी पहले? 3-1 बकरियाँ लोड है मेरे पास। ओके, तो रिजल्ट कैसा आया? अभी कोई रिजल्ट नहीं है भाई, वो अभी लोड ही है। अच्छा, लोड ही है अभी बकरियाँ। ठीक है भाई, इसके बाद एक बच्चा ये हैगा व्हाइट आईज में, ये कौन सी ब्रीड के अंदर है भाई? ये बीटल है भाई। बीटल में है जी। ठीक है, लेकिन कलर बड़ा डिफरेंट आया इसका, शेरा कलर है। शेरा कलर आ गया, सिरोही के अंदर भी जो टच आता है। व्हाइट आईज में है, व्हाइट आईज में बच्चा है। और दांतों में कितना हो गया? दांतों में 4 है भाई, 4 दांत है। अच्छा, और हाइट? हाइट इसकी भी 37 है भाई। वजन में कितना आ जाएगा? वजन में ये 50-55। ठीक है, इसका भी प्राइस बता दीजिए, कितने का होने वाला है ये भाई? इसे 35,000 रुपये में देना। 35,000 रुपये इसमें करोगे थोड़ा बहुत आप? हाँ, थोड़ा बहुत सभी बकरों में हो जाएगा स्लाइडली जो भी है नेगोशिएशन। ठीक है भाई, यही बकरे अभी आपने निकाले हैं सेल के लिए, बाकी ये थोड़े छोटे साइज में, आगे अपन और बड़े साइज के भी बकरे देखेंगे। फिलहाल बच्चा अच्छा है, ये भी छोड़ो उसको आप। दांतों में कितना हुआ? ये चौथा लगा रहा है भाई, चौथा दांत अभी लगा रहा है ये। ठीक है भाई, इसके बाद में भाई ये अपनी वीडियो का सबसे हीरो बकरा और बड़ा बकरा है माशाल्लाह। क्या डिटेल्स पे है भाई, हाइट कितनी है इसकी भाई? ये 41 आ रही है इसकी हाइट। ओके, लेकिन बकरी की जो चौड़ान है भाई और लेंथ है उसमें तोड़ नहीं है कुछ भी, बहुत शानदार बकरा तैयार हुआ है जी। वजन तोला आपने इसका भाई? इसका वजन में रमजानों में किया था, वजन कितना आ रहा था रमजानों में? 16-17 आ रहा था इसका। अच्छा, तो अभी कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 25 आना चाहिए, 120-125 किलो के आसपास।
ठीक है, गरम, हाँ गरम मिजाज का बकरा है। दांतों में कितना हो गया? आठवां दांत लगा रहा है भाई। ठीक है, और शब्बर भाई कब से रखे हैं इस बकरे को आप? भाई इसको तो मेरे पास टाइम हो गया। फिर भी कितना साल भर? दो साल? हाँ डेढ़ दो साल हो गए। ठीक है, तो आपने बहुत हल्के वजन पे ही लिया होगा इसको। बच्चा लिया मैंने। क्या वेट पे खरीदा था उस टाइम? तो ये 38-40 वजन पे था। अच्छा, छोड़ो ना आप उसको, गर्मी दिखाने दो उसकी। माशाल्लाह चेहरा भी जो लेके आया है ना भाई, बहुत बड़ा फेस लेके आया है। एक तो वाइट आइज रहती है इन बकरों की हैदराबादी में। हैदराबादी है, बीटल है? नहीं, बीटल है। बीटल में ये है ना, सीने की चौड़ाई भी देखिए आप उसकी माशाल्लाह। ये बचपन से इतना गर्म मिजाज का है? जी बचपन से ही गर्म। माशाल्लाह, तो अभी क्या करना है इसको? सेल करना है आपको? जी भाई सेल करना है इसको। क्या मांग रहा है उसका भाई? इसके इसका प्राइस अपन पार्सल में रखेंगे भाई। इसका प्राइस जो है वो आप कॉल के ऊपर बताओगे, वीडियो में मेंशन नहीं कर रहा है। लेकिन बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, भराई पे होगा शायद ही अभी? जी 3-1 महीने से भराई पे है ये। आप ही करते हो भराई? कितना भर देते हो उसको अभी एक टाइम में? भाई ये 1.5 किलो चना ले रहा है और बड़की पत्ती लेता है। 1.5 किलो चना और उसके बाद पत्ती जो भी रहती है बड़की। माशाल्लाह, ठीक है भाई, बकरा तो देख लिया, डिटेल भी जान ली। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक का बकरा है। और जो अभी भारी बड़े बकरों का शौक करना चाहते हैं या कुर्बानी करना चाहते हैं, उन लोगों के काम की चीज़ है बिल्कुल। ठीक है भाई, एक बकरा और बचा उसे भी देख लेते हैं अपन। छप्पर भाई ये थोड़ा, ये बहुत मेंटल है भाई। हाँ मेंटल टाइप का ही लग रहा है, उसका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत गुस्से वाला बकरा है, क्योंकि इतनी देर से वो जो खूंटा है जिससे बना है उसके ऊपर ही अपना एग्रेशन दिखा रहा है। क्या डिटेल पे, हाइट कितनी है बकरे की? भाई इसकी 39 हाइट आ रही है, 39 प्लस आ रही है। 39 प्लस? जी। आपने नापी है? जी जी मेरी नापी हुई। ओके, और वजन कितना आ रहा है? वजन इसमें पे भाई आएगा 75 से 80 किलो। 75 से 80 किलो के बीच में वजन, माशाल्लाह। और दांत कितने लगा लिए? दांत पूरे दांत है भाई, ये भी 8 दांत। ठीक है, तो ये भी आपके फार्म का सेट बकरा दिख रहा है मुझे। साल भर से मेरे पास है, इसीलिए इतना गर्रा रहा है माशाल्लाह, एग्रेशन दिखा रहा है वो। तो शब्बर भाई ये भी सेल करोगे बकरा? जी भाई ये भी सेल के लिए। पांचों बकरे जो अपन ने अभी वीडियो में दिखाए सब सेल के सब लिए हैं। है। इसका प्राइस कितना रखा है भाई? इसका भी अपन पार्सल में रखेंगे। मतलब दोनों जो बड़े बकरे हैं उनका प्राइस आप कॉल के ऊपर बताने वाले हो। बाकी डिटेल तो आपने मुझे माशाल्लाह बता दी, वो बकरा भी घुमा फिरा के दिखा दिया। और आप इस तरफ आओ, आप घूमोगे तो आपके साथ साथ वो भी घूमेगा। वैसे तो दांत पूरे हो गए, तो इस साल कुर्बानी हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पलटी के भी लाए थे कोई, अभी फ्रेश लगाए हैं उन्हें। अच्छा जी। आप जब लाए थे कितने दांतों पे था भाई? ये 2 दांत पे था। अच्छा 2 दांत पे लाए थे आप इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से पलटी हो सकता है ये, क्योंकि अगर नया 8 दांत हुआ है तो, क्योंकि कोटा एक ऐसी ब्रीड है भाई 8 दांत के बाद भी हाइट लेती रहती है। वो भराई करो तो आप वजन भी आ ही जाएगा। वैसे इसको क्यों नहीं लिया आपने भराई पे भाई? मैं क्या अकेला इंसान था भरने वाला? ठीक है, एक ही बकरा भर सकते थे। और थोड़े दूसरे काम भी हैं अपने। जी जी जी, क्योंकि टाइम एक ही बकरे का होगा आपके पास। एक ही बकरे का टाइम है मेरे पास। सही है भाई, बकरा भरना भी कोई आसान बात नहीं है, उसमें बहुत टाइम टूटता है। 3-3.5 घंटे लेता है। जी जी ठीक है छब्बर भाई, एक नज़र और इस बकरे को देख लेते हैं आपके। बाकी तो सारे बकरे माशाल्लाह दिखा दिए आपने हमको, चलने दो। हाँ चलने दो उसको, थोड़ा मस्ती करो ना उसके साथ आप। अच्छा गुस्सा भी वो अपनी मर्जी से ही दिखाएगा। खैर आप तो खिलाते पिलाते हो सकता है, इसलिए आपके ऊपर इतना एग्रेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन बकरों को देख के वो बराबर आवाज निकाल रहा है माशाल्लाह। बीटल के हिसाब से शब्बर भाई बहुत शानदार बकरा तैयार किया है आपने, क्योंकि बीटल के अंदर चौड़ान बहुत मुश्किल से आती है। माशाल्लाह उसके सीने की चौड़ान भी देखी है। जी सीना पेटा हर चीज से माशाल्लाह कंप्लीट हुआ है। ठीक है भाई, अभी सारे जानवर देख लिए और आपने हमें डिटेल भी बता दी। अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।